आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही। स्वागत है आपका उज्जवल भारत समाचार में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ खुशबू। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव के ऐलान से पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र लाडली बहन योजना की एक और किस्त जारी कर दी है। एक तरफ जहां शिंदे सरकार राज्य में लाडली बहन योजना की तारीफ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस योजना की आलोचना कर रहा है। शिवसेना यूबीटी गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी सीधे तौर पर शिवसेना के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कहा, राज्य के दौरे के दौरान मेरी मुलाकात एक महिला से हुई और मैंने उनसे पूछा कि कैसा चल रहा है। अब तो उन्हें सीधे 1500 प्रति महीने मिलते हैं। इस पर महिला ने कहा कि गद्दारों को 50 खोखे और हमें सिर्फ 1500 रुपए क्यों। नागपुर में उद्धव ठाकरे ने बताया कि महिला ने ऐसी प्रतिक्रिया दी है। उद्धव ने क्या कहा? उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में सभी को 15 लाख देने का वादा किया था। उस वादे का आज तक कुछ नहीं हुआ। पूर्वी महाराष्ट्र के रामटेक शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक आदमकद प्रतिमा का उद्धव ठाकरे ने अनावरण किया। अपने भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे ने अमित शाह की भी आलोचना की। अमित शाह के नागपुर दौरे पर उद्धव ठाकरे ने की टिप्पणी। अमित शाह के दौर पर तंज उद्धव ठाकरे ने कहा, अमित शाह 4 दिन पहले नागपुर आए थे। वे बंद दरवाजे के पीछे कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि उद्धव ठाकरे को मारो, शरद पवार को मारो, उनकी पार्टी तोड़ो, कार्यकर्ताओं को तोड़ो। अमित शाह बंद दरवाजे छोड़े, हिम्मत है तो मैदान में आए और शिव राय की गवाही से हमें खत्म करने की भाषा दिखाएं। आप मुझे दिल्ली से खत्म नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे कोई खत्म कर सकता है तो सिर्फ यहाँ की जनता और यहाँ के वोटर। अगर वो कहेंगे कि उद्धव ठाकरे घर बैठ जाओ तो मैं घर बैठ जाऊंगा। उद्धव ठाकरे ने भारत सभा से सीधे तौर पर अमित शाह की विधानसभा रणनीति की आलोचना की। मोहन भागवत बीजेपी के हिंदुत्व से सहमत है। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले अविभाजित शिवसेना के साथ अपना 3 दशक पुराना गठबंधन तोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि हालांकि शिवसेना 63 सीट जीतने में सफल रही। ठाकरे ने सवाल किया कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत बीजेपी के हिंदुत्व से सहमत हैं, जिसमें अन्य दलों को तोड़ना और विपक्षी नेताओं को अपने पाले में लाना शामिल है। लोगों से महाविकास आघाड़ी को भारी जीत दिलाने की अपील। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि आगामी चुनाव सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र को लूट से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोगों से महाविकास आघाड़ी को भारी जीत दिलाने और रामटेक लोकसभा क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में जीत सुनिश्चित करने की अपील की। कांग्रेस और NCP, शरद चंद्र पवार के नेताओं सुनील केदार और अनिल देशमुख ने ठाकरे के साथ मंच साझा किया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ातरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत समाचार को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही।